Good morning, dear friends. Once again, welcome for the physics lecture. I know that बहुत दिन हो गया है अभी आपका और मेरा थोड़ा सा बीच में कनेक्शन टूटा था लॉकडाउन की वजह से बीच में और बाद में आपको छुट्टी भी था तो ठीक है. Once again we will start with our physics lecture. तो अभी तक हमने जो किया है बीच बीच में शायद मैडम ने भी आपको वीडियो सेंड किया होगा तो मैं मेरा कंटिन्यूटी यहाँ से चालू करूँगा. ओके मैडम, ठीक है. तो हमने स्टॉप किया था एक्चुअली अपने करंट में इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट, वहाँ से हम चालू करते हैं और अभी से फटाफट करेंगे. अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी तो ऑनलाइन में आपको एक चीज़ का और एक फ़ायदा हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा आपको, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है. हाँ, तो इट कैन बी डन नाइसली, देयर इज नो प्रॉब्लम. विल स्टार्ट. ओके, तो पहले तो हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज. ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज. तो आपको मैंने सिखाया है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो ये तो मैंने आपको सिखाया है. लेकिन फिर से उसका रिव्यू करें कि मेरे को मालूम है बीच में बहुत गैप पड़ गया, तो आई नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, सो डोंट वरी, हम करेंगे. हाँ, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और जो आपके प्रॉब्लम है, जो आपके डाउट्स है वगैरह जो सब है, वो हम अपनी गूगल मीट करेंगे. पीएस के पीरियड को वो गूगल मीट में आप मुझे पूछ सकते हो. ओके ओके, तो और ये लेक्चर के लिए अपना वीडियो रहेगा, ये वीडियो आपको देखना है. एंड इन बिटवीन आई मे बी आस्किंग यू हाँ टू सेंड योर नोट्स. ओके, तो आपको वीडियो तो उसी टाइम देखना पड़ेगा, बराबर. ओके, चलो. तो इंस्टेंटेनियस एवरेज करेंगे क्या? अब इंस्टेंटेनियस एवरेज अगर हमने लिखा तो उसमें आपको क्या आता है, एक्स एक्सिस वाई आता है और वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे चार्ज. तो आपको मालूम है बेसिक फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये तो आपको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये आपको पता है. तो कैसा भी मैंने ग्राफ किया, कैसा भी मैंने ग्राफ किया, आपको मालूम है किसी एक पॉइंट को अगर आपने उसको टेंजेंट निकाला थीटा, तो स्लोप का फॉर्मूला अलग अलग आता है. स्लोप को कैसे लिखते हैं, स्लोप को हम टैन थीटा भी बोल सकते हैं. घबराओ मत, टैन साइन कॉस टैन वगैरह आपको आएगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाएगा आपका, सो डोंट वरी अबाउट दैट. टैन थीटा भी बोल सकते हैं. स्लोप को हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा इसका स्लोप, तो चेंज इन q ये हो जाएगा डेल्टा q, और चेंज इन टाइम हो जाएगा डेल्टा t, जो हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मतलब मैंने सिखाया था क्लास में. तो पहले वाला एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इसमें आएगा, एवरेज वैल्यू आएगा डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, इसको बोलेंगे हम एवरेज वैल्यू. तो अभी मीनिंग क्या है इसका एवरेज? तो मैंने आपको दिया टाइम 5 सेकंड दिया और आपको बोला मैं इस कंडक्टर से, एक कंडक्टर दिया और उसमें से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो काउंट करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए. तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट रखा है और उसमें सपोज के एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका चार्ज मेजर कर रहा है, बता रहा है आपको इतना इतना चार्ज गया है. तो 5 सेकंड में कितना चार्ज गया, तो भी 5 सेकंड मतलब मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, बराबर. तो ये जो टाइम है, तो ये डेल्टा टी मतलब क्या, 5 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये जो टाइम है अभी इधर लिखा हुआ, ये मेरा बन गया 5 माइनस 0. तो सपोज पहले चार्ज का रीडिंग लिया वो था 2 कूलम्ब, और बाद में 5 सेकंड के बाद में चार्ज का उधर का रीडिंग बन गया मेरा 10 कूलम्ब, बराबर. तो अभी वो 10 माइनस 5, तो बन गया 5 कूलम्ब. टाइम भी 5 सेकंड, तो मेरा बन गया था डी क्यू बाई डी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी 5.5, दैट इज
वन एम्पियर, बराबर, समझ गए? इसको बोलते हैं एवरेज करंट। दूसरा आता है, मैंने बताया आपको, दूसरे को हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में क्या आता है वो हम देखेंगे। तो अगर मैंने डेल्टा टी को इतना इतना छोटा करते गया कि वो जीरो के नजदीक जाए, लेकिन जीरो ना हो जाए, वो जाएगा जीरो के नजदीक, डेल्टा टी विल बी वेरी नियर टू जीरो बट इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसको बोलते हैं इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दैट इज डेल्टा टी, यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, मैंने लिखा है डेल्टा टी इज वेरी नियर, हाँ है ना जगह, वेरी नियर टू जीरो बट डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको बाजू में लिख के रखा उसको तो भी ठीक हो जाएगा, बराबर। तो मैंने क्या बोला, डेल्टा टी इतना जीरो करो, इतना कम करो कि वो जीरो ही हो जाए, लेकिन जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं हो जाए, एकदम छोटा। तो अगर मैंने डेल्टा टी को यहाँ पे एकदम छोटा किया तो कैसे बनेगा, इसको इधर से भी कम किया इधर से भी, छोटा 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 बन जाएगा एकदम, तो इतना ही बन जाएगा, बराबर। और उसका डेल्टा क्यू भी उतना ही बन जाएगा, तो छोटा छोटा बन जाएगा। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा इसमें भी डेल्टा टी का डेल्टा टी आएगा ना, तो उसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और उसको बोलते हैं डी क्यू बाय डी टी। इतना तो आपको अभी याद रखना ही है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो पहले मैंने आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाया था, अभी मैंने इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वैल्यूज पर्टिकुलरली फॉर करंट कैसे लिखते हैं ये बताया, इसको देख लो, जान लो, उसको नोट डाउन कर लो, बाद में मैं आगे जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो, उसको नोट डाउन करो, हो गया बेटा, अभी आगे जाते हैं। अभी इंस्टेंटेनियस एवरेज वैल्यू हमने सीखा, तो डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर वो आपके बुक में होगा, मैं आपको फिर से वो रखवा के लिए बेटा डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, तो कैसे करेंगे, वन एम्पियर डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, तो एक एम्पियर करंट कैसे हो जाएगा, तो करंट मान में आपको डी क्यू बाई डी टी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्यू अपॉन टी, क्यू कितना 1 कूलम ले लेंगे, तो 1 एम्पियर सिंपली लिखना 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। सो इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देखो अभी इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर और थ्रू द कंडक्टर एट द रेट ऑफ वन कूलम, वन कूलम पर सेकंड, ये छोटा बन गया, देन करंट इज सेट टू बी वन एम्पीयर। तो किसी भी कंडक्टर में अगर एक सेकंड को एक कूलम चार्ज, इस रेट से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, देन वी कैन से दैट करंट इन द कंडक्टर इज 1 एम्पीयर। तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, इफ थ्री पॉइंट एट इंटू 10^3 इलेक्ट्रॉन्स आर moving through the area of cross section, through the area of cross section of a conductor
कहा व्हाट इज द करंट. If 3.8 into 10 raised to 3 electrons are moving in 3 seconds, इसको लिखो बीच में, in 3 seconds through the area of cross section of a 3.9 तो अच्छा चलेगा. तो आर कितना बनेगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका चार्ज निकालना पड़ेगा आपका, बराबर. तो दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, q इज इक्वल टू एनी एंड i इज इक्वल टू जस्ट q अपॉन t, बराबर. q q कितना बन जाएगा? n 3.9 into 10 raised to 3, e का वैल्यू कितना है? -1.6 into 10 raised to -9. माइनस यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, हमें क्या चार्ज ही मूव कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना है. तो 1.6 into 10 raised to -9 ये मिल गया चार्ज. I कैसा बनेगा? I बन जाएगा 3.9 into 1.6, ये 3 है -19, 10 raised to -16 upon टाइम कितना है? 3 से. तो ये कितना बनेगा? 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 13, 16. हिस्सा बन गया 20. 2.08 into 10 raised to -16 एम्पीयर. तो इसको आप मिली एम्पीयर, माइक्रो एम्पीयर, नैनो एम्पीयर, बिकम जो कुछ चाहिए उसमें कन्वर्ट कर सकते हो. तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, नोट डाउन दैट, पॉज द वीडियो, इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ. निकलो बेटा होमवर्क, दो प्रॉब्लम देता हूँ, ओके, और बाद में आपके ग्रुप में भी मैं एडिशनल प्रॉब्लम सेंड करूंगा. इफ अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पीयर इज देयर फॉर 3 सेकंड थ्रू अ कंडक्टर, how many electrons are moving? मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? I दिया है, टाइम दिया है, q निकालना पड़ेगा. तो पहले q निकालो, q निकालने के बाद q इज इक्वल टू एनी, e तो मालूम है, गिवन क्या लिख रहे हैं आपको? गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ e इज 1.6 into 10 raised to -19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? बराबर. तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे? तो पहले टोटल चार्ज निकालो, उसको इससे डिवाइड करो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. ओके, होमवर्क 1. होमवर्क 2 ले लो. इफ बराबर, समझ गए? यहां पर भी गिवन कितना आएगा आपका? e इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ e इज इक्वल 1.6 into 10 raised to -19 कूलम. हो गया बेटा? तो ये आपका आधा पार्ट है, इसको भी नोट डाउन करो. आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. हो गया बेटा? तो ठीक, तो करंट का जो सब है वो हमने पूरा कर दिया. इसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर. बट बिफोर दैट वी मस्ट नो द कॉम्पोनेंट्स, बराबर. तो
इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स अपने को मालूम होने चाहिए। तो आपकी बुक में भी वगैरह सब दिया है, तो लेकिन आई थिंक बेसिकली आई मस्ट गिव यू द आइडिया ऑफ दैट। सो फटाफट जो जो कुछ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको हम देख लेते हैं। हाँ बड़े ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में सब कंपोनेंट्स और उनका सिंबल ऐसे में लिखते जाऊंगा। हाँ बेटा, तो सबसे पहले सेल, अ सेल, अ सेल, सेल सेल कैसे दिखाएंगे? सेल को दिखाएंगे ऐसे, प्लस एंड माइनस। सेल को कैसे दिखाएंगे? प्लस एंड माइनस। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे है प्लस एंड माइनस, देन करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड हियर करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये आपको याद रखना है, ये अभी के लिए नहीं है आपको, ये आपको हर तरह याद रखना है कि डायरेक्शन कौन सा होगा। या इसमें है से बराबर से सेकंड बैटरी, तो बैटरी कैसे बनाते हैं? ये एकदम सिंपल पार्ट है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। बैटरी क्या करते हैं? अनेक सारे सेल्स को एक इकट्ठा करते हैं। बैटरी अगर आपने देखा हो, ट्रक का बैटरी, गाड़ी का बैटरी, वो बड़ा होता है और उसमें क्या होता है? सेल होता है। अगर आपने जो बैटरी की बैटरी का काम करते हैं उसको पूछा तो बोलेंगे बैटरी वीक हो गया है, तो बोलोगे आप वीक मतलब क्या हो गया? तो बोलेंगे उसके सेल खराब हो गए। सेल मतलब हर एक सेल होता है, 6 सेल होते हैं, 10 सेल होते हैं, 12 सेल होते हैं, ऐसे बैटरी। तो वो कैसे लिखते हैं उसका सिंबल? ठीक है, एक मिनट, इसको इससे अलग ये इसका है, ये आपको समझ लीजिए, मतलब प्लस है मतलब करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस को आएगा। सो करंट हियर इट विल मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड फॉर नेगेटिव टर्मिनल इट विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। आपको ध्यान में रखना है, करंट मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। या कोई ध्यान नहीं, बैटरी के लिए भी वैसे कुछ चेंज नहीं। तो बैटरी कैसे दिखाएंगे? बैटरी दिखाएंगे, बैटरी जाएगा ऐसा, ये हो गया, बाद में छोटा, फिर से बड़ा, फिर से छोटा, फिर से बड़ा, बस अपना काम हो गया, और एक छोटा बस अगे अपना काम हो गया। इधर लिखो प्लस, इधर लिखो माइनस, तो ये बैटरी का सिंबल। बैटरी के बाद में आता है आपका की, प्लग की, प्लग की बोलते हैं, प्लग की कैसे दिखाते हैं? ये होता है की क्लोज्ड, और ऐसे अगर दिखाए तो की ओपन। जब की ओपन रहेगा, की कहाँ यूज करते हैं? मैंने बैटरी लिया, सेल लिया, वायर लिया, बल्ब लिया, डायरेक्टली जोड़ा तो बल्ब कंटिन्यूअसली ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे बटन होते हैं ना, आप बटन यूज करते हैं घर आ सकते हो ना, बटन करे लाइट लगा बटन दबाओ, दैट इज अवर की। तो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट दिस इज प्लग, की क्लोज, उसमें अगर डॉट है तो की क्लोज है, उसमें डॉट नहीं है तो की क्लोज नहीं है, की ओपन है, बराबर। अभी आगे आगे के लिए, आगे के लिए है नंबर 4, उसमें टैप की। कभी कभी ऐसा जरूरत होता है कि पूरा बटन चालू करके उसको नहीं होता, मतलब अपना काम इतना नहीं है, जस्ट उसको प्रेस करके छोड़ दो, देखना है, चेक करना है या कनेक्शन है नहीं है, उसको बोलते हैं टैप की, जस्ट टैपिंग करना, टैप की। इसको स्विच भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ। टैप की का सिंबल कैसे है? टैप की में इधर ऐसा है और इधर एक ऐसा है, ओके। तो ये की ओपन मतलब अभी सर्किट में कनेक्शन नहीं है, और दूसरा बात थोड़ा सा ऐसा देखिए यहाँ पे डालने का, तो ये क्या बोले? की क्लोज्ड, की ओपन और की क्लोज्ड, बन गया बेटा नंबर 5। हाँ, टू वे की,
कभी 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 क्या होता है, दो कनेक्शन होते हैं, एक एक कनेक्शन से दो कनेक्शन डाइवर्ट होते हैं और हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम कनेक्शन ऑन ऑफ करते हैं। आता है ना, ज़रूरत आता है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं टू वे की। उसको क्या बोलते हैं, टू वे की। टू वे की का सिग्नल क्या है, जस्ट ऐसे करो यहाँ से डॉट यहाँ पे ओके और एक बेटा, तो मतलब ये दो कनेक्शन है, किसी भी टाइप को इसको आप कहीं भी कर सकते हो ओके, या ए कनेक्शन या बी कनेक्शन ओके। सिक्स आता है आपका गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर ये करंट मेजर के मेजरमेंट के लिए, अभी आपको टेंथ में उसका ज्यादा नहीं है ओके। तो गैलोनोमीटर, अमीटर, अमीटर का सिंबल कैसे, अमीटर इसको प्लस माइनस, माइनस प्लस जो कुछ है वो दिखना पड़ता है हाँ सर्किट में, हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं था तो भी चलता है उसको, उसका पोलैरिटी। आठवां आता है आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कैसे निकलते हैं, वोल्ट मीटर ऐसे निकलते हैं वी से, तो एमीटर ए से निकलते हैं, वोल्ट मीटर अपना वी से निकलते हैं, उसके उसके बाद में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ऐसे निकलते हैं आर बन गया। तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, तो बन गया इसके आगे ये हो गया नाइन। अभी टेन के लिए जाते हैं, टेन नंबर अपना है, टेन नंबर है वेरिएबल रेजिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है आपके पास आपका फैन होता है ना, फैन का रेगुलेटर होता है वो आप कैसे चेंज करते हो, उसमें होता है वेरिएबल है, उसको बोलते हैं पॉट, कभी कभी उसको हम पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। अभी हमारे लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो उसके नाम है रियोस्टैट, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड पॉट रेजिस्टेंस ओके। पॉट मतलब ही रियोस्टेट, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। यह है फिक्स रेजिस्टेंस, यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको ऐसे ऐसे आर निकालने का रेजिस्टेंस और इसको ऐसा एरो करना, मतलब इसको वेरी कर सकते हैं हाँ। कैपेसिटर, कैपेसिटर दिखाना है आपको, कैपेसिटर ऐसे दोनों भी सेम होना चाहिए, दोनों भी सेम होना चाहिए। यह आपको आपके लिए एडिशनल ऐसा का इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। इंडक्टर, इंडक्टर रेजिस्टेंस जैसा ही गोल 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 कर देता, जलेबी होती है ना बेटा, मैं तो स्प्रिंग होती है वैसे, जलेबी नहीं, जलेबी आप आइए तो उसमें ही करोगे वैसे, स्प्रिंग होती है वैसा। नंबर 13 इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, अभी क्या बचा है, बचा है कुछ तो बचा है, कुछ तो बचा है, रेजिस्टर बन गया, इंडक्टर भी दिखा दिया हमने, और क्या है मैं बोल हाँ बल्ब, बल्ब बी यू एल बी बल्ब, बल्ब ऐसे आइदर ऐसे और जस्ट ऐसे भी दिखाया था भी चलता है, तो हम ऐसे दिखाते हैं इसलिए ऐसे दिखाया हो गया। तो ठीक है, आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, पॉज द वीडियो ओके। तो अभी ये हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ओके। तो अभी ये कंपोनेंट्स लेके जब हम उनको वायर से जोड़ेंगे तो वो सर्किट अपना ऑन और ऑफ बन जाएगा, तो वो बन जाएगा अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बराबर। तो जब वायर जोड़ते हैं तो अगर वायर जॉइंट, अगर वायर जॉइंट मतलब ऐसे वायर है, तो ऐसे किया मतलब ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर जॉइंट किया, और अगर वायर बाईपास है तो कैसे जाएगा, ये है इसको बाईपास किया और ऐसे किया, मतलब ये और ये इसमें जॉइंट नहीं है। तो अगर गोल वाला डॉट है तो समझने का ये वायर जॉइंट है एक दूसरे से, लेकिन अगर ये डॉट नहीं है और ऐसे उसने अगर उसको बाईपास किया है ऐसा ऐसा, उसके ऊपर से ऐसा नॉक करके गया
इसका मतलब ये और ये वायर आपस में जुड़ा नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, आपको समझा होगा। सो नोट डाउन दैट, हो गया बेटा। अभी हम क्या करते हैं, इसमें से ये होने के बाद अगला जो है वो देखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज और पोटेंशियल। तो करंट सीखा हमने, करंट क्या सीखा, करंट सीखा हमने कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम। तो ये पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो पोटेंशियल अपने सेल में आता है। तो आपको मालूम है सेल मतलब कैसे, अभी आपको सेल बना के देखा, सेल में होते हैं इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड, बराबर, और बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव होना इसको निगेटिव होना। तो क्या होता है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर इसको वायर से जोड़ा सर्किट में तो पॉजिटिव से निगेटिव में करंट फ्लो करना चालू करेगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, बराबर। तो पोटेंशियल और वोल्टेज, ओके, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए एक्चुअली अभी तो डायरेक्ट लिखते हैं हम, लेकिन उसका डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है उसका डेफिनेशन है, ये आपके बुक में नहीं रहेगा, ये फाउंडेशन के लिए आपको रहेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका जो डेफिनेशन है आपका बुक वाला, वो बुक से उठाओ उसको रिसाइड करो, नो प्रॉब्लम। बोल के मैं आपको सिखाऊंगा पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आता है जूल, वर्क डन जूल में और कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या है उसका, ऐसा यूनिट है वोल्ट, उसी को बोलते हैं जूल पर कूलम। समझ गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोटेंशियल। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल लेवल बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये हमें सीखना है, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल लेवल बिटवीन द टू पॉइंट्स। बिफोर दैट आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। बन गया, अभी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये आपको मैं एक पानी की टंकी का एग्जाम्पल देके बताऊंगा। क्या बताऊंगा, पानी का टंकी होता है ना, उसका मैं बताऊंगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज आई हैव अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत, छत के ऊपर मैंने एक टंकी रखा है, आई हैव केप्ट वन टैंक, टैंक होगा, टैंक में क्या है, ऑफ कोर्स टैंक होगा तो उसमें H2O होगा, है ना, वाटर होगा, है ना। और सपोज यहां पे मेरा कलेक्टिंग टैंक है और इसको बोलता हूं मैं टैंक टू, और इनको हमने ऐसा जोड़ा है, सपोज यहां से पाइपलाइन करके ऐसे जोड़ा, नहीं तो क्या करते हैं, यहां पे टैंक टू ऐसे लगाते हैं एक मिनट के लिए, ऐसा ऐसा लगा उसको थोड़ा सा, मतलब आपको दिखने के लिए ठीक है, ओके। यहाँ पे टाइम टू है,
नाउ अगर आपने सरफेस ये लिया, सरफेस के हिसाब से ये वाटर का हाइट देखो और ये वाटर का हाइट देखो, तो आपने ग्रेविटेशन में पिछले साल पढ़ा होगा, जिसका हाइट ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा, जिसका हाइट कम उसमें एनर्जी कम। तो यहां पे अगर मैंने उसको स्विच किया, ये दोनों भी में पानी है और थोड़ा जगह है भरने के लिए, मतलब इधर उधर करने, तो क्या हो जाएगा अभी? वंस द वॉल्व इज ओपन, वॉल्व को अगर ओपन किया मैंने, वॉल्व को ओपन कर दिया, तो पानी कहां से कहां जाएगा? ऑफकोर्स ऊपर से नीचे जाएगा। अरे सर, तो तभी मैं बोलूंगा द पोटेंशियल एट पॉइंट दिस इज मोर, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉटर एट दिस पॉइंट इज मोर दैन पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो क्या करेगा? वर्क करेगा। जिसका एनर्जी कम होगा उसके ऊपर वर्क हो जाएगा, मतलब यहां का पानी यहां तक आएगा। समझ गए? आपने कितना भी कौन सा भी वॉल्व बनाया, तो विदाउट पंपिंग यू कैन नॉट टेक दिस वॉल्व, पंपिंग और साइफन, विदाउट साइफन और पंपिंग यू कैन नॉट टेक दिस। समझ गए? तो ये बन गया अभी इनमें लेवल का डिफरेंस है ना। अभी दूसरा बताओ, ये समझ गया? सेम लाइक दिस वी विल स्टडी द पोटेंशियल, ये समझ गया? अभी दूसरा है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अभी दूसरा है, दूसरे एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये अपना बिल्डिंग है और टंकी के ऊपर, सॉरी बिल्डिंग के ऊपर दो टंकी लगे, टू टैंक्स आर लेफ्ट, टैंक वन एंड टैंक टू, और उसको ऐसे जोड़ दिया। अभी क्या हो जाएगा? जैसे जैसे कोई एक टैंक भरता जाएगा, सिमिलरली सेम हाइट पे दूसरा टैंक भरता जाएगा, तो दोनों के भी सेम हाइट को आ रहा है पानी, है ना, उनका हाइट है पानी का दैट इज सेम, तो दे कैन बी सेम, वी हैव सेम पोटेंशियल। इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जीरो। पहले वाले एग्जाम्पल में देयर वॉज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, समझ गए बेटा? इसके बाद क्या आता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपको फाउंडेशन है, आपको आपकी इसमें नहीं है, टेंथ की बोर्ड में नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपको फाउंडेशन का सिखा रहा हूँ। ईएमएफ भी क्या है? ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका डेफिनेशन कैसे आता है? डेफिनेशन आई विल सजेस्ट टू नोट डाउन। ओके, डेफिनेशन आई विल सजेस्ट टू नोट डाउन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? द वर्क डन बाय द बर्निंग द वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब सिंगल चार्ज, सिंगल वन यूनिट, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। इसको बोलते हैं ईएमएफ। ओके, समझ गए? आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। हो गया? अभी ये क्यों यूज करते हैं वो दिखा। ओके, तो अभी सपोज मैंने एक सेल लिया। ओके,
मैंने एक सेल लिया, उसको मैंने स्विच की मदद से एक रजिस्टर को कनेक्ट किया। तो बेसिक वैल्यू ऑफ दिस सेल, सपोज सेल सेल कितने का है 1.5 वोल्ट, मतलब ये इतना मैक्सिमम दे सकता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इट कैन गिव, बराबर। तो 1.5 वोल्ट है, ये है उसका ईएमएफ। ये क्या होता है ईएमएफ, ओके। और व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द गिवन रेजिस्टेंस आर, इट विल गिव सम पोटेंशियल वोल्टेज वी। यहां पे तो वी जो देगा, तो वी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। वी को क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, ये आपको ध्यान देना है। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल है दैट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पोटेंशियल। सो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल लेवल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल विल बी टर्मिनल पोटेंशियल। और ईएमएफ जो उसका, अभी आपने सेल लिया तो 1.5 वोल्ट है, तो जो वैल्यू है उसका ईएमएफ कहा जाता है। तो सेल चार्जेबल भी होता है, चार्ज करते हैं, और जब हाँ तो चार्जिंग किसे बोलते हैं, चार्जिंग व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स। मतलब बड़ा कोई सेल लिया, उसको कनेक्ट किया, तो वो सेल चार्ज होने लगेगा, वो सेल चार्ज होने लगेगा, इट इज कॉल्ड एज चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग किधर किसे बोलते हैं, डिस्चार्जिंग हम बोलते हैं व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड इन सर्किट। तो जब हम सेल चार्ज करने के लिए दूसरे किसी सेल को जोड़ते हैं, उसको बोलेंगे हम चार्जिंग ऑफ अ सेल, उसे क्या बोलेंगे चार्जिंग। और वही सेल अगर आपने सर्किट में जोड़ा तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्चार्जिंग। क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग। तो अगर चार्जिंग है तो आपका वी होता है ग्रेटर देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब ये ईएमएफ बोलते हैं एप्सिलॉन, और ई बोलो उसको कुछ प्रॉब्लम हो, एप्सिलॉन और ई। तो अगर आप इसको ई नहीं, अभी ई बोलते हैं नहीं तो आपको समझेगा ई बोलते हैं। तो अगर आपको सेल को चार्ज करना है 1.5 का है, तो आपको उसे 1.5 से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, वो ये वी, तो वी विल बी ग्रेटर देन। लेकिन अगर आप सेल को किसी सर्किट में जोड़ रहे, इफ यू आर कनेक्टिंग द सेल इन द सर्किट, देन इट विल नेवर गिव टोटल वोल्टेज 1.5, नेवर इट विल गिव यू सम लेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो हियर व्हाटएवर वोल्टेज वी विल गेट, दैट विल बी लेस देन ई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वी वी आई ओ वी, इसको नोट डाउन करो, आपको 12th साइंस 12th में इसका बहुत यूज होने वाला है। अगर आपको ये मालूम है तो 12th में आप सबसे आगे जाओगे, लंबे चलोगे। आपको मालूम नहीं है तो 12th में उसका मालूम करना पड़ेगा, बाद में स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको मालूम है तो 12th में आप आंसर दे सकोगे सर को, शायद मैं ही रहूँ आपको 12th में, तो उस टाइम मेरे को आंसर दोगे आप, अरे हाँ सर आपने सिखाया था 10th में सिखाया था, यस है ना। इसीलिए अभी आपको करके रखना है, और स्टडी को ऐसे मत लो कि मतलब अरे यार करना है 10th पास होना है, ऐसा नहीं।
स्टडी मतलब आपको कुछ नया मिल रहा है, आज मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ। मेरे को टीचर मत समझो, एक नॉलेज मशीन बोलो जो नॉलेज दे रहा है, ये तो फ्रेंड समझो, बेहतर है उससे। कोई बड़े एज का अपना फ्रेंड होता है ना, मेरे भी है मेरे से बड़े एज के, वो हमें गाइड करते हैं, अरे ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, हाँ ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसे किया था तो बाद में वो ऐसे हो, गाइडेंस मिल गया। तो ऐसे टीचर आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को आप ले सकते हैं। अगर ऐसे लिया, इफ़ यू विल टेक लाइक दिस, देन योर स्टडी विल बी मोस्ट सेटिस्फाइंग, स्टडी विल बी मोस्ट इंटरेस्टिंग, हाँ मोस्ट इंटरेस्टिंग। प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब क्या, सर ने मेरे को ये दिया है, मतलब चैलेंज दिया, ये सॉल्व करके दिखाओ, चैलेंज दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स चैलेंज। एक बार आपने वो चैलेंज दिया, नहीं आप ये करूँगा, ओके, तो आज जो मैंने प्रॉब्लम आपको दिया है, आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट यू ऑल विल गो थ्रू दैट एंड यू ऑल विल सॉल्व दैट। समझ गए बेटा, तो आज इतना ही काफ़ी है, बंद करते अभी, और शाम के टाइम में आपको फिर से गूगल मीट में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रहेंगे। Are you getting my point? Okay. So till that, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. Bye.